हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, और उस सीरीज में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट जेआरएफ के, और प्रोबेबिलिटी में भी हम रैंडम वॉक पे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ में प्रोबेबिलिटी से लगभग 2 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, और उनमें भी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि रैंडम वॉक से आपका एक क्वेश्चन बने। तो रैंडम वॉक पे जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो रैंडम वॉक की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन रैंडम वॉक से बनेगा वो 1D या 2D में बनेगा। तो 1D में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं और कैसे हम सोल्व करेंगे, तो 1D रैंडम वॉक की अगर हम बात करें तो आपको पता है 1D में चलेगा कोई भी, तो जहाँ से कोई बंदा जो रैंडम वॉकर है वो स्टेप ले रहा है, उस पोजीशन को हमने मान लिया x इज इक्वल टू ज़ीरो, और उसकी जो स्टेप की लेंथ है उसको हम क्या मान रहे हैं, a। जो स्टेप की लेंथ है वो राइट साइड में डिफरेंट भी हो सकती है, लेफ्ट साइड में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। राइट साइड में कुछ होगी, लेफ्ट में कुछ होगी, तो वैसी जो 1D वॉक होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। और अगर लेफ्ट और राइट में स्टेप की लेंथ सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रैंडम वॉक। तो हम सिमेट्रिक रैंडम वॉक पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम सोल्व करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो सिमेट्रिक रैंडम वॉक की अगर हम बात करें तो अगर रैंडम वॉकर जो है वो राइट साइड में चल रहा है, उसको हम बोल रहे हैं प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको हमने नाम दे दिया ए का, कि एक स्टेप चला तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करी, दो स्टेप चला तो 2a डिस्टेंस होगी, अगर लेफ्ट साइड में चलता है तो माइनस ए होगा, माइनस 2a होगा, दो स्टेप लेता है तो, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि रैंडम वॉकर जो है वो n स्टेप ले रहा है, टेकिंग n स्टेप्स, n स्टेप्स को हमने क्या बोल दिया, n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ठीक है। और रैंडम वॉकर के लिए जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि रैंडम वॉकर क्या होगा, या तो कोई छोटा बच्चा होगा या फिर जिसने पी रखी होगी वो होगा, ठीक है। तो रैंडम वॉकर के लिए जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जितने वो स्टेप ले रहा है, एन स्टेप ले रहा है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, मतलब उसको आइडिया ही नहीं है कि भाई उसका पैर कहाँ पे टिकने वाला है, ठीक है। तो जो एन स्टेप्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे की। और अगर हम मान लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है कि वो probability of taking a step towards right, अगर वो right side में step लेता है तो उसकी probability हमने मान ली p, और उसको हम क्या बता रहे हैं कि probability वो किसकी है, success की, ठीक है। अब random walker 1D की हम बात कर रहे हैं, तो या तो वो right की तरफ step लेगा या फिर left की तरफ steps लेगा, तो फिर उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, राइट की तरफ हम मान लेते हैं कि वो पी है, और लेफ्ट की तरफ स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेफ्ट की तरफ को हम बोल रहे हैं फेलियर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो कितनी है, क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्टेप लेंथ हमने डिफाइन कर दी ए है, और सिमेट्रिक 1D की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रैंडम वॉकर जो है वो एन स्टेप ले रहा है, उसको हमने बोल दिया एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, और क्योंकि रैंडम वॉकर क्या है, या तो चाइल्ड होगा या फिर हम बोले ड्रंक्ड मैन होगा, तो उसको आइडिया नहीं है कि कौन सा स्टेप उसका किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ पे कब टिकने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वो एन स्टेप ले रहा है ना, तो उसके जो एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, और प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं, दो हैं, कि या तो वो स्टेप राइट की तरफ लेगा या वो स्टेप लेफ्ट की तरफ लेगा। तो राइट की तरफ स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी जो है उसको हमने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं पी से। अब जो लेफ्ट की तरफ स्टेप ले रहा है उसको हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल है कोई भी, और उसमें है ना एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और वो जो एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं ना वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के. अगर एन नंबर ऑफ ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के और हर एक ट्रायल से हमें दो आउटकम मिल रहे हैं, या तो सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, तो उस केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं. और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे कैसे लिखेंगे कि रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो कितने टाइम्स आर टाइम्स हम लेके चल रहे हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे. एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है. तो जहाँ पे भी आपकी 1D रैंडम वॉक आएगी वहाँ पे हम किसका यूज करने वाले हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूलाज का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे. तो क्वेश्चन अपना 1D रैंडम वॉक से है और ये जून 2014 में आया था. इन 1D ए रैंडम वॉकर टेक्स ए स्टेप विद इक्वल प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट और राइट. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 स्टेप्स. तो ये क्या कह रहा है कि रैंडम वॉकर जो है वो 1D में मूव कर रहा है, तो 1D हम बोल रहे हैं कि वो यहाँ से चला है x इज इक्वल टू 0 से. ठीक है, अब 1D की अगर हम बात करें तो उसके पास दो आउटकम है, या तो वो राइट में जाएगा या फिर लेफ्ट में जाएगा. अब राइट में जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने नाम दे दिया p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और लेफ्ट में जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने नाम दे दिया q का. तो अब 1D की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम हमें पता है कितना आएगा, 1 आएगा. ठीक है, क्योंकि उसके पास दो ही आउटकम है, या तो वो राइट में जाएगा या वो लेफ्ट में जाएगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या गिवन है कि जो रैंडम वॉकर है वो स्टेप ले रहा है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. अब पी और क्यू है जो वो क्या है, इक्वल है, तो पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी और 1/2 आएगी. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 स्टेप्स. तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है रैंडम वॉकर के उसको हमने डिनोट किया था एन से, और वो कितने हैं, 4 स्टेप हैं. तो हमने क्या बताना है कि वो हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में पहला स्टेप ले रहा है, किस में दूसरा ले रहा है, लेकिन वो 4 स्टेप के बाद जहाँ से चला था ना वहीं आ रहा है. ठीक है, तो मान लो उसने फर्स्ट स्टेप इधर लिया, सेकंड इधर लिया, फिर थर्ड इधर लिया, फोर्थ इधर लिया. तो कहने का मतलब क्या है कि 2 स्टेप वो राइट में लेगा और 2 किस में लेगा, लेफ्ट में लेगा, तभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे सक्सेस की अगर हम बात करें तो कितने स्टेप हैं, 2 हैं. तो जो रैंडम वेरिएबल है हमारा, प्रोबेबिलिटी की कितने टाइम्स हमारी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, वो बताता है आर कि सक्सेस हमें कितने टाइम्स मिल रही है. तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2. तो आपको पता है 1D के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो वो क्या होता है, एन सी आर पी रेज टू पावर आर एंड क्यू रेज टू पावर आर. एन की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो ले रहा है, 4 सी, और सक्सेस कितने टाइम उसे मिलेगी. सक्सेस को हम किससे बता रहे हैं कि टेकिंग ए स्टेप टुवर्ड्स राइट, उसी को हमने सक्सेस का नाम दिया है. तो नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है, 2, कि राइट में 2 स्टेप ले रहा है, तो एन सी 2 हो जाएगा. पी रेज टू पावर पी की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 रेज टू पावर आर कितना होगा, 2. यहाँ पे एन माइनस आर आपका आता है, तो 1/2 क्यू की वैल्यू, और एन माइनस आर कितना होगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2. ठीक है, तो 4C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल हम लिखेंगे, और 2 factorial / 2 factorial, तो ये कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल होगा 2 times. 1/2 रेज टू पावर कितना है, 4, तो 1 2 से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 3/8 वैल्यू हमें मिल रही है. तो जो ए ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे आप सिर्फ ये ध्यान रखो, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं उसमें जो आर बताता है ना वो नंबर ऑफ सक्सेस बताता है कि कितने टाइम्स हमें सक्सेस मिल रही है. ठीक है, कितने, जो एन माइनस आर है वो हमें बताता है नंबर ऑफ फेलियर्स, तो नंबर ऑफ फेलियर्स हमें बता रहा है एन माइनस आर, और जो एन है वो कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है. ठीक है,
अब पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू है क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना 1D रैंडम वॉक से है और ये दिसंबर 14 में आया था। इसमें क्या गिवन है कि रैंडम वॉकर टेक्स ए स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड यूनिट स्टेप इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद प्रोबेबिलिटी 1/3। तो 1D की हम बात करें तो एक ही डायरेक्शन हमारे पास होती है, इसको हमने बोल दिया प्लस एक्स और ये हमने बोल दिया माइनस एक्स, और जो मेन जो एक्स इज इक्वल टू जीरो है वो हमारा क्या है इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी या फिर हम बोले टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, पी से हम लिखते हैं वो कितनी है 2/3। अब लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर हम बोले नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी प्रोबेबिलिटी क्यू से हम लिखेंगे और वो कितनी है 1/3, और जो स्टेप लेंथ है बोथ डायरेक्शन में वो कितनी है ए जो है वो 1 है। तो हमसे क्या पूछा है कि मेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉकर आफ्टर एन स्टेप्स, एन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जो मेन डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि जो वॉकर है वो इस डायरेक्शन में 5 स्टेप लेता है और इस डायरेक्शन में कितने स्टेप लेता है 3, तो 5 स्टेप इस डायरेक्शन में गया और 3 स्टेप वापस आया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट होगा, ठीक है। और वो कितना होगा, 2 तो स्टेप है इनटू में क्या आ जाएगा स्टेप लेंथ, जितनी भी स्टेप लेंथ होगी उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे, मीन डिस्प्लेसमेंट मान लो हम आर से लिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेक्टर से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो एक ही है, तो प्लस या माइनस जो भी डायरेक्शन आएगी वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, नंबर ऑफ स्टेप्स कितना आएगा टुवर्ड्स राइट माइनस नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिस भी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा होंगे वो डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अगर वो टुवर्ड्स राइट ज़्यादा है, मान लो राइट की तरफ 5 चला है और लेफ्ट की तरफ 3, तो जो नेट डायरेक्शन आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस एक्स आ जाएगी आर वेक्टर की। और अगर जो लेफ्ट की तरफ स्टेप है वो 5 है और राइट की तरफ 3 है, तो जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आ जाएगी, माइनस एक्स आ जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इनटू में क्या होएगा स्टेप लेंथ, वो हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, मेन डिस्प्लेसमेंट देगा। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता, हमें क्या पता है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कितने हैं n, और नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स राइट जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 है। तो हम अगर n स्टेप ले रहा है और एक स्टेप की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 है, तो n स्टेप्स की राइट की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी तो 2/3 ही होगी, बट 2n/3 क्या बता रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स हैं राइट की तरफ, ठीक है। और n स्टेप ले रहा है तो लेफ्ट की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो 1/3 इनटू में n, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स किसकी तरफ है लेफ्ट की तरफ, तो मेन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ जाएगा 2n/3 माइनस 1/3 इनटू में n, और स्टेप लेंथ हमारी कितनी है, स्टेप लेंथ यूनिट गिवन है तो 1 हम लिख देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो n/3 आ जाएगी, और n/3 हमारी कौन सी आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन और n/3 जो होगा वो मेन डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन हम यहाँ से हमारी आती तो क्या वैल्यू आ जाती, माइनस n/3 आ जाती, तो वहाँ पे क्या होता है क्यू की वैल्यू जो होती है वो 2/3 होती है, और P की वैल्यू अगर 1/3 होती उस केस में हमारी नेगेटिव डायरेक्शन आ जाती। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो n/3 आ रहा है, तो A ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2D रैंडम वॉक से है और ये दिसंबर 13 में आया था। इसमें क्या गिवन है कि चाइल्ड मेक्स ए रैंडम वॉक ऑन ए स्क्वायर लैटिस, तो स्क्वायर लैटिस हमें गिवन है और जो स्क्वायर लैटिस है उसका लैटिस कॉन्स्टेंट कितना है A। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो चाइल्ड रैंडम वॉक कर रहा है ना उसके स्टेप की लेंथ कितनी है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में कितनी है, दोनों डायरेक्शन में कितनी है ए। अब 2D की हम बात कर रहे हैं क्या है स्क्वायर लैटिस है, तो 2D के लिए अपनी दो डायरेक्शन हो जाएंगी,
एक तो एक्स हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि टेकिंग ए स्टेप इन द नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ठीक है, विद प्रोबेबिलिटीज़ कितनी, 0.255 किसकी होगी, नॉर्थ की 0.255, और ईस्ट की कितनी होगी, 0.255। अब साउथ की कितनी है, 0.245, और वेस्ट की भी कितनी है, 0.245। ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग नंबर ऑफ स्टेप्स एन, एन स्टेप लेने के बाद हमें क्या बताना है, एक्सपेक्टेड पोजीशन बतानी है चाइल्ड की विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हम ये लेके चल रहे हैं, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी और वो किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो स्टेप लेंथ हमें पता है कितनी है, हर एक डायरेक्शन में ए है, कौन सी भी डायरेक्शन हम लेके चलें जो स्टेप लेंथ है हमारी वो कितनी है, ए। तो अब एक्सपेक्टेड पोजीशन हमें बतानी है, तो ये 2D का केस हो गया, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, पोजीशन वेक्टर हम लेके चलेंगे, जो मेन पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्क्रीट के लिए वो कैसे हम लिखते हैं, समेशन लिखते हैं डिस्क्रीट के लिए, और कंटिन्यूस होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो समेशन आई आर आई वेक्टर इनटू में पी ऑफ आर आई, ये पोजीशन बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, मतलब ये जो आर आई वेक्टर है वो डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में कितनी पोजीशन है उसकी, और ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है सेम डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाई समेशन आई पी ऑफ आर आई। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर हम बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, ए, और जो डायरेक्शन है उसकी वो कितनी है, जे कैप है। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है नॉर्थ डायरेक्शन में, इनटू में 0.255। ईस्ट की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, और स्टेप लेंथ ए ही है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.255। वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन हमारी क्या है, माइनस आई कैप है, तो क्या आएगा, माइनस ए आई कैप, प्रोबेबिलिटी है 0.245। और वेस्ट साउथ की हम बात करें तो कितना आएगा, माइनस जे कैप हमारी क्या है, डायरेक्शन, तो माइनस ए जे कैप, और प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.245। डिवाइडेड बाय क्या होगा, समेशन की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी हर एक डायरेक्शन में उसका सम, वो कितना हमें देगा, वन वैल्यू देगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पोजिशन हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से ए जे कैप की अगर हम बात करें तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0.01 जे कैप प्लस ए इंटू में 0.01 क्या आ रहा है, आई कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन हमें मिल रही है, तो आई कैप हमारा ये है एक्स वाला और जे कैप है वाई वाला, तो ये डायरेक्शन हमें मिल रही है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। और उसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो आई कैप प्लस जे कैप, ये क्योंकि आर एक्सपेक्टेड जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा हमारा, और 0.01 भी बाहर आएगा, बचेगा क्या, आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1, 1, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो वैल्यूज हमें ऑप्शन में गिवन है वो 10^-2 की फॉर्म में गिवन है, तो 0.01 को हम क्या लिखेंगे, 10^-2 ए, और जो डायरेक्शन है हमारी वो नॉर्थ ईस्ट है। अब ये तो बात थी एक स्टेप की, अगर एक स्टेप के बाद हम बात करें तो उसकी जो मेन पोजिशन होगी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब n स्टेप की हम बात कर रहे हैं तो n से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, तो जो a ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2D रैंडम वॉक से है, ये दिसंबर 15 में आया था, कि कंसीडर ए रैंडम वॉक ऑन ए स्क्वायर लैटिस। तो स्क्वायर लैटिस है तो हमें पता है 2D का केस है, तो स्क्वायर लैटिस हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, एट ईच स्टेप वॉकर मूव्स टू द नियरेस्ट नेबर साइट, कि अगर यहाँ से वॉकर चलता है तो नियरेस्ट नेबर साइट पे जाएगा, या तो इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, या फिर इधर होगी या फिर इधर होगी। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर साइट पे वो मूव करता है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मूव करने की वो इक्वल है,
क्योंकि वो चार ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, तो चारों डायरेक्शन में मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, मतलब वो 1/4 1/4 1/4 है, ठीक है। एंड ईच ओ फोर साइड इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ओ फोर साइड्स द वोकर स्टार्ट्स एट द ओरिजिन, ओरिजिन से वो स्टार्ट करता है और तीन स्टेप वो लेता है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट ड्यूरिंग दिस वॉक नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस, तो जिस साइट से वो चलेगा ना उस पे वो दोबारा नहीं जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो ओरिजिन है हमारा वो ये पॉइंट है जिससे वोकर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अगर वोकर इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है तो उसके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं जाने के वो कितने हैं, चार हैं, क्योंकि उसने स्टार्ट ही किया है तो वो चारों डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, अगर फर्स्ट स्टेप की हम बात करें कि उसने एक भी स्टेप नहीं लिया था और फर्स्ट स्टेप वो लेने वाला है, ओरिजिन से वो चल रहा है, तो उसके जाने की जो प्रोबेबिलिटी है हर एक डायरेक्शन में वो क्या है, इक्वल है। तो उसके पास जो नंबर ऑफ वेज है जाने के वो कितने हैं, फर्स्ट स्टेप के लिए जो नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल हैं वो कितने हैं, चार हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप कब चलेगा, वो जब फर्स्ट स्टेप चल चुका होगा, तो हम मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद उसके पास जो नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा सेकंड स्टेप, या फिर वो इस डायरेक्शन में जाए, या फिर वो इस डायरेक्शन में जाए। इस डायरेक्शन में तो वो जा नहीं सकता क्योंकि क्या गिवन है कि नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस, क्योंकि इससे तो वो आ चुका तो वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल हैं सेकंड स्टेप के लिए वो कितने हैं, तीन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में हमारा चला गया, तो तीसरा स्टेप के लिए जो थर्ड स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप कब लेगा वो, जब दो स्टेप चल चुका होगा, तो फर्स्ट स्टेप तो उसने ये लिया, सेकंड ये लिया, अब इस पॉइंट पे वो आ गया, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ वेज कितने हैं उसके जाने के लिए, कि या तो वो इस डायरेक्शन में ले तीसरा स्टेप, या फिर वो इस डायरेक्शन में ले, या फिर वो इस डायरेक्शन में ले। इसमें तो वो जाएगा नहीं क्योंकि इससे तो वो आया है और हमें कंडीशन गिवन है कि नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस। तो नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल कितने हो गए थर्ड स्टेप के लिए भी, तीन। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसके फेवर में आउटकम्स हमारे आ रहे हैं, तीनों स्टेप की अगर हम बात करें तो वो कितने आ रहे हैं, 4 × 3 × 3, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं, कि वो जो रैंडम वोकर चला है वो किसी भी पॉइंट से चला है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है फोर्थ स्टेप के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए, तो चार डायरेक्शन होगी। अब सेकंड स्टेप के लिए भी वो किसी भी डायरेक्शन में, जो नंबर ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो तो कितने हैं, 4 × 4 × 4, तीनों स्टेप के लिए चार चार अवेलेबल हैं। लेकिन जो फेवर कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप को चारों फेवर कर रहे हैं कि किसी में भी जा सकता है, सेकेंड स्टेप को केवल तीन फेवर कर रहे हैं कि वो इन तीनों में जा सकता है, इसमें नहीं जा सकता, और थर्ड स्टेप को भी तीन ही फेवर कर रहे हैं कि इन तीनों डायरेक्शन में वो जा सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो ये हो जाएंगे, और टोटल नंबर्स ऑफ अवेलेबल आउटकम्स हैं वो इतने हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, और जो प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, 9/16। तो जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 16 में आया था। कंसिडर ए रैंडम वॉक ऑन एन इनफाइनाइट 2D ट्रेंगुलर लेटिस, ए पार्ट ऑफ विच इज शोन इन द फिगर बिलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग एट एनी ऑफ द नियरेस्ट नेबर साइट आर इक्वल, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वोकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पोजिशन एट द एंड ऑफ एग्जैक्टली 3 स्टेप्स। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं कि जो फेवरेबल आउटकम है और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फेवरेबल से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रैंडम वॉक जो है वो इनफाइनाइट 2D लैटिस है और उसका एक पार्ट हमें दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की क्या है, इक्वल। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट से रैंडम वॉक क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, और वो मूव करेगा नियरेस्ट टू नेबर साइड, तो जो नियरेस्ट नेबर साइड होगी उसी पे वो एक स्टेप लेगा, ठीक है। तो जाने के लिए जो पाथ्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, इस डायरेक्शन में वो जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, तो जो पाथ्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 6। तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल हैं वो भी 6 हैं, और उसकी मतलब जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है पहले स्टेप के लिए, तो वो भी पाथ्स अवेलेबल, जो फेवरेबल पाथ्स अवेलेबल होंगे वो भी कितने होंगे, 6। अब सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि हम मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे वो पहुंच गया, तो उसके बाद कंडीशन क्या है कि 3 स्टेप के बाद, एग्जैक्टली 3 स्टेप के बाद वो कहाँ पे होना चाहिए, जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना उस पोजीशन पे होना चाहिए। अभी फ़िलहाल वो इस पॉइंट पे है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में जाता है तो 3 स्टेप लेने के बाद वो स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आ सकता। अब इस पे जाता है तो भी वो 3 स्टेप के बाद नहीं आ सकता, तो जो नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल बचेंगे, जो फेवरेबल बचेंगे, वो या तो ये डायरेक्शन हो सकती है सेकेंड स्टेप के लिए, या फिर ये हो सकती है। और अगर वो इसी डायरेक्शन में आता है तो वो 2 स्टेप में ही स्टार्टिंग पे पहुंच जाएगा, लेकिन बोला क्या गया है कि एग्जैक्टली 3 स्टेप्स में वो पहुंचना चाहिए, तो सिर्फ जो नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल बचेंगे वो ये 2 ही बचेंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए जो नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल होंगे वो 2 होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल हैं वो तो कितने हैं, 6 ही हैं। तो टोटल की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप के लिए भी 6 हैं और सेकेंड के लिए भी 6 हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप चलने के बाद थर्ड स्टेप आएगा, तो थर्ड स्टेप के लिए हम मान लेते हैं कि वो ये वाला पाथ उसने चूज किया और वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए थर्ड स्टेप तो क्या बचता है, स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के लिए सिर्फ यही पाथ बचता है, क्योंकि जो अदर पाथ्स हैं उनसे तो वो स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो जो नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल हैं वो तो इस पॉइंट के लिए भी 6 ही हैं कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन उस पर कंडीशन क्या है, जो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि उसको स्टार्टिंग पोजीशन पे रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी, फेवरेबल आ जाएगी, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 6। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, फेवरेबल 6 इंटू में 2 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 6 इंटू में 6 इंटू में 6, तो 1 से ये कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 6 3 टाइम्स, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी की, यहाँ से 1 बाई 6 इंटू 3 18, 1/18, तो जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना रैंडम वॉक पे, ये दिसंबर 2019 में आया था। A particle hops randomly from a side to its nearest neighbor in each step on a square lattice. तो square lattice given है, मतलब 2D random walk का question है। Of unit lattice constant, तो जो step length है वो कितनी आ गई, 1 आ गई, unit lattice constant given है। If the probability of hopping to the positive x direction is 0.3, तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि अगर पार्टिकल होप करता है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल जो है वो मूव करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, और नेगेटिव डायरेक्शन की कितनी है, 0.2। टू द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कितनी है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की हम बात करें तो 0.2, एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितनी है, 0.3, ठीक है। If the particle starts from the origin, अगर origin से वो start करता है तो its mean position after m step हमें बताना है कि n steps के बाद उसकी जो mean position होगी वो क्या होगी। अगर first step की हम बात करें कि एक step के लिए जो mean position है वो क्या होगी, तो mean position ऐसे हम लिखेंगे, vector से लिखेंगे, और इस type का question हम already solve कर चुके हैं, तो कैसे हम लिखते हैं, summation i r i vector into में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आई वैक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन द ओल्ड डायरेक्शन,
और वो कितना देगा 0.3, इनको हम सम करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 1 आती है। तो ये तो आर आई वैक्टर डिनोट कर रहा है कि अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की हम बात करें तो वो जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, यूनिट लैटिस कॉन्स्टेंट गिवन है तो स्टेप लेंथ 1 है, ठीक है। तो आई कैप इंटू में प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात करें तो माइनस आई कैप आएगा 0.2, और वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, जे कैप इंटू में 0.2 माइनस जे कैप इंटू में 0.3, और इसका सम हम करते हैं तो 1 आ रहा है। तो यहाँ से जो मीन डिस्प्लेसमेंट एक स्टेप के लिए हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.1 इंटू में आई कैप प्लस माइनस साइन आएगा माइनस 0.1 इंटू में जे कैप। तो 0.1 एक स्टेप के लिए आई कैप माइनस जे कैप, तो जो डायरेक्शन होगी वो तो ये वाली डायरेक्शन होगी आई कैप माइनस जे कैप, क्यों, ये आई कैप है ये जे कैप है तो यहाँ पे क्या है माइनस जे कैप, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। और जो लेंथ जो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें एन स्टेप के बाद हम देख रहे हैं तो एन से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मेन क्या आएगा, मेन पोजिशन आएगी एन स्टेप के बाद। तो वो कितनी वैल्यू आ रही है 0.1, यहाँ पे जो आंसर हमें गिवन है वो 1/10 की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो रैंडम वॉक पे जितने भी क्वेश्चन हमारे बने हैं अभी तक एग्जाम में वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, और प्रोबेबिलिटी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।